एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फ्राइड हरी मिर्च का अचार बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ के साथ खाने लायक होता है। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है फ्राइड हरी मिर्च का अचार। सबसे पहले एक पैन को हमने गैस पे रख लिया है। पैन को थोड़ा सा गर्म होने दें। इसमें हमने तेल नहीं डालना, इसमें हम डालेंगे मसाले, सूखे मसाले। ये मैंने हींग डाली है, मेथी दाना, जीरा, सौंफ, धनिया। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये ध्यान दें कि आप इसे ऐसे भी सिंपल पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैं हमेशा अचार के अंदर रोस्ट करके मसाला डालती हूँ, क्योंकि रोस्ट जो किया होता है उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आपके पास अचारी मसाला पड़ा हो, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, मैंने पहले वीडियो दे रखी है, अगर आपके पास अचारी मसाला पड़ा हुआ है तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ईजी वे में आपका बन जाएगा अचार। इसकी जगह आप अचारी मसाला ले सकते हैं। हल्का सा इसे रोस्ट कर देते हैं, ज्यादा हमने इसे ब्राउन नहीं करना। बहुत ही अच्छी खुशबू उठनी शुरू हो गई है इसमें से। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। ये हमारा मसाला जो है रोस्ट हो चुका है। इसी तरह हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब हम पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे। बहुत ज्यादा हमने तेल नहीं डालना इस मिर्च के अंदर। ये हमने लगभग एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है, सरसों का तेल। इसे गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्च, और इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने मसाला बनाया था और पीसा है। एक बड़ा चम्मच हम मसाले का डालेंगे। जो बच जाएगा वो हम रख लेंगे, फिर बाद में हमारा यूज हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो मसाला है वो मिर्च के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली भर गया है। हमें भरने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इस तरह से कट लगाया था। और हमने इसे ज्यादा देर फ्राई नहीं करना, हम एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे ढक देंगे। एक मिनट हो गया है, फ्लेम हमने ऑफ कर दी है, मिर्च हमारी तैयार है। हमने बहुत ज्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना। इसमें हम डाल देंगे ऊपर से आधा नींबू का रस। इससे जो मिर्च है वो जल्दी खराब नहीं होती। आप देख रहे हैं कि अचार जो है बनके तैयार है, मसालेदार, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है ये फ्राइड मिर्च का अचार। ठंडा होने पर आप इसे किसी भी कांच के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा अचार बनकर तैयार है। उम्मीद आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।